अच्छा आप मुझे एक बात समझा सकते हो कि जो साली होती है, मतलब गाली वाली साली नहीं, मतलब जो दुल्हन की जो बहन होती है वो साली, वो आखिरकार जूते ही क्यों चुराती है? पगड़ी या फिर उसकी तलवार या फिर कटारी क्यों नहीं? जानना है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो शुरू करें। बात उन दिन की है जब विवाह के लिए बारात लेकर जाना काफी जोखिम भरा काम हुआ करता था, ठीक है, और इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए दूल्हे को तलवार दी जाती थी। घोड़ी पर दूल्हा होता था और जो बाकी बचे बाराती होते थे वो पैदल चलते थे। तलवार या फिर कटारी किसी भी मर्द का या पुरुष का शौर्य का प्रतीक होता है, ठीक है, और उसकी चोरी पुरुष की लापरवाही को प्रमाणित करता है। मतलब यानी कि उसकी ये चीज चोरी हो जाती है, उसकी तलवार या कटारी चोरी हो जाती है पुरुष की, बाकी को ये लगेगा कि यार ये कितना लापरवाह है। इसलिए कटारी की चोरी करवाना दूल्हे को लापरवाह साबित नहीं किया जा सकता था। चलो ये तो एक बात हो गई। और पगड़ी का महत्व समझाने की आपको तो जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। नहीं समझे? देखो पगड़ी किसी भी पुरुष का या किसी भी मेल का मान होती है, सम्मान होती है, अभिमान होती है और उसका प्रतीक भी होती है। सिर पे पहने जाने वाली साधारण सी पगड़ी उसकी शक्ति की पहचान बन जाती है, इसलिए पगड़ी की चोरी भी बिल्कुल नामुमकिन है। किसी भी बंदे का या किसी भी मेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे वस्तु उसकी पादुका होती है, यानी कि उसके जूते या पहनने वाले पैर में कुछ भी सामान। जूते या फिर पादुका इंसान के व्यवहार को और उसके रहन सहन को प्रदर्शित करती है, लेकिन सुरक्षा और सम्मान के प्रतीक को नहीं। इसलिए जूते को चुराया जाता है ताकि अपमान भी ना हो और रिश्ते में मिठास भी बने रहे। तो आई होप आप सभी जान गए होंगे कि क्यों साली जूते चोरी करती है, ना कि उसके पगड़ी और उसके तलवार को। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, और यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना है।